नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहां आज हम लोग बात करेंगे जो द 100 मैन लीग चल रही है उसका जो 9th नंबर मैच है, जो कि ओवल वर्सेस नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के बीच आज शाम को, जो कि काफी जल्दी खेला जाएगा। वैसे 11 बजे की मैच करीब मैच होता है, आज 7:30 बजे है वो ये मैच खेला जाएगा। अब देखिए, मैच में बहुत सारे बदलाव है भाई, कुछ कैप्टन भी अवेलेबल नहीं है, किस टीम का नहीं है, कौन सा बड़ा प्लेयर जिसने लास्ट मैच में धमाका किया था वो भी अवेलेबल नहीं है, और कौन से वो प्लेयर्स हैं जो एकदम फ्लॉप चल रहे हैं बट इस मैच में उनका डंका बजने वाला है, और अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो फिर आपका डंका भी बजने वाला है। तो डंका उनका बजना चाहिए, अपना नहीं बजना चाहिए। तो अपन उसको कैसे है वो अपनी फैंटेसी में अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें आगे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू गाइज, सभी जो हमारी यूट्यूब फैमिली है या जो फिर नए लोग देख रहे हैं उन सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयां। अब इससे ज्यादा मैं इस टॉपिक पे तो नहीं बोल सकता, बट जो मैच है उसको बेटर तरीके से, जो कि अगर आप पहली बार भी फैंटेसी खेल रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रेड कलर में जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो चलिए लेट्स गो, चलते हैं वीडियो की तरफ और एक एक चीज को हम लोग यहां से कवर करते हैं। देखिए, ओवल वर्सेस सुपर चार्जर्स, ये है आज का 9th नंबर मैच जो कि 7:30 बजे का टाइम है। अब देखो वीडियो को कवर करें उससे पहले जो एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो रहती है हमारा टेलीग्राम चैनल फाइनल अपडेट। जी हाँ, फाइनल अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बेनिफिट्स क्या है भाई, बेनिफिट्स आपको बताता हूं। देखिए फर्दर अपडेट्स, बिकॉज आज चेंजेस आपको काफी देखने को मिल सकते हैं, तो कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है चेंजेस को लेके वो आपको टेलीग्राम पे, इनफैक्ट ये जो वीडियो में टीम रहेगी इनिशियल रहेगी, तो फाइनल में एक दो चेंजेस अगर हमारी टीम में होते हैं वो कौन से होते हैं वो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जरूर से जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएगा। सबसे पहले वेन्यू को लेके बात करते हैं। वेन्यू रहेगा यहां से ओवल लंदन में ये मैच खेला जाएगा। आप देखो ओवल लंदन की पिच को मैं आपको समझाता हूं, ओवल लंदन की पिच क्या कहती है। ओवल लंदन की जो ओवल लंदन, जी हां ओवल लंदन की जो पिच, लंदन समझ रहे हो, हां ओवल लंदन की जो पिच रहती है वो ऐसी रहती है कि एक तो जो सीमर्स है, जो पेसर्स है, उनको इनिशियल ओवर में जो स्टार्टिंग के ओवर्स रहती है वहां पे उनको बेनिफिट्स मिलता है, वहां पे वो विकेट निकाल सकते हैं। ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे ना तो इंग्लिश कंडीशंस में खेल रहे हो तो फास्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर हम लोग पिच को बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स में कंपैरिजन करें तो भाई इक्वल सपोर्टेड पिच है, दोनों को सपोर्ट करेगी। अब कैपेबिलिटी ज्यादा किस में वो डिपेंड करेगा प्लेयर्स पे, बाकी इक्वल सपोर्टेड पिच है। एवरेज स्कोर देखोगे तो ज्यादा नहीं है, 134 का यहां का एवरेज स्कोर है। और रिसेंट के मैं आपको कुछ मैचेस दिखा देता हूं जहां से आपको अंदाजा लग जाए। ये देखिए, ये एक मैच हुआ था जहां पे 171 किए थे लंदन स्पिरिट ने और ओवल ने चेस नहीं किया था, यहां पे 13 विकेट्स गिरी, 9 फास्टर, 4 स्पिनर्स। फिर मैच नंबर 2 हुआ, ट्रेंट रॉकेट्स ने 96 किए, लो स्कोरिंग मैच रहा, चेस हो गया, 13 विकेट्स गिरी, 12 फास्टर, 1 स्पिनर्स। फिर मैच नंबर 3 लंदन ने फिर 146 किए और इस बार ओवल ने चेस कर लिया, 15 विकेट्स गिरी, 7 फास्टर्स को, 7 स्पिनर्स को। ओवरऑल देखोगे हर टाइप के स्कोर्स आपको देखने को मिल रहा है, लो स्कोरिंग, एवरेज, हाई, हर टाइप के स्कोरिंग है। मतलब ज्यादा कुछ जो चीज डिपेंड करती है वो भाई कंडीशंस पे करती है, बैट्समैन की कैपेबिलिटी पे करती है। तो 160 वाला मैच अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए, 160। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओवल की प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसन रॉय और रॉरी बर्न्स ओपन कर सकते हैं, बिकॉज यहां से विल जैक्स इंजर्ड है, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। रैली रोशो, हिल्टन कार्टराइट को मुझे लगता है खेलने चाहिए, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, सुनील नारायण, टॉम करन, मैट माइल्स, मोहम्मद हसनैन और डैनी ब्रिक्स, ये 11 प्लेयर्स देखेंगे। डेथ में कौन आएगा, डेथ में एक तो टॉम करन डेथ में गेंदबाजी करते हैं और इनसे है ना वो सैम करन भी डेथ में गेंदबाजी कर लेते हैं, बट रेगुलरली
आपको सैम करन और यहां से हसनैन दिख सकते हैं और मैट माइल्स भी करते हैं। लास्ट के जो चार ओवर्स है वहां पे मुझे लगता है कि 24 बॉल्स, ओवर्स नहीं बोल सकते, 24 बॉल्स है हसनैन, टॉम करन, सैम करन ज्यादा चांसेस रहेंगे। बाकी सैम बिलिंग्स नहीं है, रिश टोपलिक नहीं खेलेंगे शायद, जैक लीनिंग है, सकीम महमूद है, ये आपको बेंच पे दिखेंगे। फुल स्टैट्स की बात करते हैं, जैसन रॉय रिसेंट फॉर्म एकदम भाई बकवास चल रहा है, देखोगे 17-0-10 जैसन रॉय का फॉर्म आउट रहा है। अभी तक लास्ट के एक डेढ़ महीने से जितने भी मैचेस खेले हैं फ्लॉप रहे हैं। हेड टू हेड में एक मैच में 52 रन किए, वेन्यू पे देखोगे 5 मैच में 26 का एवरेज है, 5 मैच में 26 रन का एवरेज है इस वेन्यू पे, जहां तक मुझे लगता है टीम में होने चाहिए और डिफरेंशियल पिक बन सकती है सीवीसी के लिए। रॉरी बर्न्स 4-37-28 वेन्यू और हेड टू हेड में है नहीं, बाकी रॉरी बर्न्स की बात करें तो ये भी है ना थोड़ा सा जो टेस्ट क्रिकेट चलता है उसको ज्यादा फॉलो करते हैं, ये टेस्ट में ही खेलते हैं ज्यादा, टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, T20 वगैरह ज्यादा खेलते नहीं है। बाकी थोड़ा सा स्टार्टिंग के ओवर में शायद आपको 30-35 रन करके दे जाए। रायली रोशो 96 नाबाद 31-5, ये ऐसी सीजन का है। बाकी देखोगे हेड टू हेड है नहीं, वेन्यू भी नहीं है, हिल्टन कार्टराइट का भी नहीं है। रायली रोशो में भी जहां तक मुझे लगता है सिलेक्शन बढ़ गया है, दैट्स वाइज आप टीम में लेके जा सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि रायली रोशो की जगह हिल्टन कार्टराइट एक बहुत शानदार प्लेयर है। बिग बैश इनका काफी बढ़िया रहा था, 16-38-9 हेड टू हेड एंड वेन्यू नहीं है, बट बिग बैश रिसेंट खेले थे बहुत लाजवाब रहा था हिल्टन कार्टराइट का। अकॉर्डिंग टू मी शायद मैं या तो इन दोनों के साथ जाऊं या फिर इनको ड्रॉप करके का तो हिल्टन कार्टराइट या फिर रॉरी बर्न्स के साथ जा सकता हूं। यहां से जॉर्डन कॉक्स की बात करते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे 1-2-39 विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा सिलेक्शन वाला प्लेयर कॉक्स है। बाकी हेड टू हेड और वेन्यू नहीं है, बाकी अगर पहले बैटिंग कर रही है टीम तो ज्यादा बेटर रहेगा। सैम करन को टीम में होना चाहिए, लास्ट मैच देखोगे 26+1 विकेट इनका रहा, हेड टू हेड और वेन्यू नहीं है, बाकी अगर पहले बैटिंग कर रही है तो उस वक्त ये आपको बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं प्लस गेंदबाजी से, तो आपको ये एडवांटेज मिलता है, सीबीसी कर सकते हो। सुनील नारायण का भी सेम रहेगा, लास्ट मैच में 6+3 9+2 0+1 एक मैच में 22 रन और एक विकेट है, वेन्यू पे देखोगे 5 मैच में 3 विकेट इन्होंने निकाली है। सुनील और सैम करन दोनों टीम में बनते हैं, टॉम करन 4+2 डेथ में लास्ट में गेंदबाजी करते हैं, टॉप करन ये भी बैट हैंडल कर लेते हैं भाई अच्छे से, हेड टू हेड में एक मैच में 34 रन एक विकेट, वेन्यू पे ये खेले नहीं है, टॉम करन इंपोर्टेंट। तो ये तीनों, जी हाँ, जहां तक मुझे लग रहा है सैम करन, उसके अलावा सुनील नारायण, टॉम करन, ये तीनों मुझे लगता है एक साथ लेके जा सकते हो टीम में। बाकी यहां से बात करेंगे मैट माइल्स की, तो ये एक डिफरेंशियल पिक रहेगा, रिसेंट फॉर्म काफी बढ़िया है। मोहम्मद हसनैन है, 2 विकेट यहां पे 0, हेड टू हेड और वेन्यू है नहीं, डिफरेंशियल्स में आएंगे। डैनी ब्रिक्स है, जो कि डैनी ब्रिक्स को यहां से मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट डैनी ब्रिक्स को अगर आप लोग चाहो तो टीम में ले सकते हो, जी हाँ, डैनी ब्रिक्स एक बढ़िया डिफरेंशियल पिक बन सकती है। देखोगे लास्ट के 3 मैचेस में केवल 1 विकेट है, हेड टू हेड और वेन्यू खेले नहीं है। बाकी डैनी ब्रिक्स कभी कभी ऐसा दिन आता है जब ये 3-4 विकेट्स है वो बल्क में लेके जाते हैं, बाकी रेगुलर इनको विकेट मिलती नहीं है। अब बेंच पे विल जैक्स और सैम बिलिंग्स है नहीं, रिश टोपली है, रिसेंट फॉर्म देखोगे 2-0-0, जैक लीनिंग है, सकीब महमूद है, बाकी मुझे लगता है शायद मौका ना मिले। नॉर्दर्न की अगर हम लोग प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, एडम लिथ, फाफ डुप्लेसी, मिचेल पेपर, उसके अलावा डीजे ब्राउन ने लास्ट मैच में ऊपर बैटिंग की भाई, जो सिम्पसन, एडम हॉज, यहां पे देखोगे रॉले ऑफ वांडर मार्वे, उसके अलावा डेविड विजे, बैन रैन, मैथ्यू पॉट्स, और उसके अलावा आदिल रशीद। डेथ में कौन आएंगे? डेथ में भाई इनकी तरफ से आपको एक तो मैथ्यू पॉट्स दिख सकते हैं, ये लास्ट में गेंदबाजी करते हैं। उसके अलावा डीजे ब्राउ है, जो कि लास्ट के स्पेशलिस्ट जाने जाते हैं, तो वो लास्ट के ओवर्स कुछ डाल सकते हैं। लाइकली हैरी ब्रूक, डेविड विले और जॉर्डन क्लर्क, वहाब रियाज, ल्यूक राइट, ब्रैडन कार्स, ये आपको बेंच पे, बाकी इनमें से कोई भी एंटर हो सकता है, कोई भी अगर आता है वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा।
फुल स्टैट्स। एडम लिथ की बात करते हैं, 7 यहां पे 51 किए थे, लास्ट मैच में 0, लेकिन उससे पहले वाले मैच में 51 किए थे। हैट टू हैट में एक मैच में केवल 1 रन है, सिलेक्शन ज्यादा है, ओपन कर रहे हैं। सिलेक्शन वाइज स्मॉलिंग में जाओगे लेके जा सकते हो। और फाफ डू प्लेसी 25-15-0 वेन्यू पे देखोगे, एक मैच में 42 रन है। इस मैच में इनके बैट से स्कोरिंग हो सकती है, इस मैच में फाफ डू प्लेसी के बैट से 40-50 रन या फिर 35-40 रन निकल सकते हैं, कैप्टनसी के दावेदार रहेंगे। यहां से मिचेल पेपर है 36-12-15 एक डिफरेंशियल पिक है। ऊपर विकेट कीपिंग में जॉर्डन कॉक्स का सिलेक्शन ज्यादा है, लेकिन पेपर ऊपर आ रहे हैं तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंशियल्स में। बाकी यहां से डीजे ब्राओ 19+1 हैड टू हैड है, वेन्यू में 5 मैच में 84 रन, 28 का एवरेज है, 5 विकेट निकाली है। डीजे ब्राओ इंपोर्टेंट पिक रहेंगे, तो डीजे ब्राओ मेरी टीम में होने चाहिए। उसके अलावा जो सिमशोन है, जो उतना खास कंसिस्टेंसी में रहती नहीं है, ड्रॉप करना चाहो कर सकते हो। एडम होज है, थोड़ा नीचे आ रहे हैं, 50-16-14 कभी कभी स्कोरिंग करके दे देंगे। उसके अलावा रॉली मार्वे है, मार्वे की बात करते हैं, लास्ट मैच में 30+0, लेकिन इनके ओवर्स करते हैं, ये एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं, ऑलराउंडर के तौर पर थोड़ा सा नीचे बैटिंग करते हैं। बट दिक्कत पता है क्या रहती है, दिक्कत इनकी ये रहती है कि इनके ओवर्स 20 या फिर 24 बोले डालने की वो एक दिक्कत रहेगी, बिकॉज लास्ट मैच में भी केवल इन्होंने है वो 10 बॉल्स फेंकी थी। जी हां, 10 बॉल्स इनसे करवाई गई थी, बाकी आपको समझदार है। डेविड विजय लास्ट मैच में मैं इनको टीम में लेके चला था, 50+0 विकेट इनको नहीं मिला था, उतनी पेस इनके पास नहीं है। सेम चीज इनके भी ओवर्स कटने की हमेशा चांसेस रहते हैं, बिकॉज बहुत कम मैचेस ऐसे देखे जाते हैं जहां पे ये अपने प्रॉपर पूरा कंप्लीट जो है वो ओवर्स डाल के जाते हैं। मैच में देखोगे वेन्यू पे 2 मैच में 1 रन है, विकेट इनको नहीं मिला। यहां से देखो कि बैन राइन आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं, 16+0 10+1, उसके अलावा 1+1 विकेट, हैट्रिक वेन्यू नहीं है। मैथ्यू पोर्ट्स ये काफी शानदार मुझे लगते हैं, अच्छी हाइट है, बाउंस के साथ गेंदबाजी करते हैं, 0-1-1 विकेट, एक मैच में 3 विकेट है इस टीम के सामने। वेन्यू पे देखोगे 5 मैच में 7 विकेट है इनके साथ। बेंच पे हैरी ब्रूक है, जो कि डिफरेंशियल पिक में अगर खेलते हैं, कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी दिक्कत इनमें भी रहती है। डेविड विले है, इनको ऊपर बैटिंग करवाई जाती है 100 द मैन में, तो अगर खेलते हैं तो इस चीज का ध्यान में रखना। बाकी इनके आप लोग को स्टेट देख सकते हैं। लास्ट हेड टू हेड मैच की बात करते हैं, तो लास्ट सीजन का ओवल ने 127 किए थे, नॉर्दर्न ने इजीली चेस कर लिया था। यहां पे रॉय के 52 निकले थे, तो ये चीज ध्यान में रखना, रॉय के 52 सीवीसी कर सकते हो जैसन रॉय को। विल जैक्स 2, सुनील नारायण 52+1, बिलिंग्स ने 3, टॉम करन 34+1, सकी मैमू 2 विकेट, टॉपली को 0, एडम लिथ का 1, डेविड विले 4 रन किए थे, हैरी ब्रूक ने यहां पे 47 किए थे। उसके अलावा सिम्पसन 19, मैथ्यू पोर्ट्स को 1 विकेट, आदिल रशीद 3 विकेट और बी कार्स को यहां पे 1 विकेट मिली थी। तो सबसे बड़े नाम रहे थे यहां पे रॉय रहा था, उसके अलावा सुनील नारायण अच्छे रहे थे, उसका टॉम करन अच्छे रहे थे, उसके अलावा देखोगे हैरी ब्रूक अच्छे रहे थे और आदिल रशीद। तो हैरी ब्रूक को छोड़ के जो 3-4 है उनका मैं बोलूंगा इजीली ओके है, आप टीम में लेके जा सकते हो, सबको एक साथ लेके जा सकते हो। बाकी प्लेयर्स बैटल की बात करते हैं, एडम लिथ, टॉम करन ने एक बार आउट किया, कुछ खास स्टैट्स नहीं है। फाफ डू प्लेसी सैम करन के सामने 2 बार आउट है, बट पिटाई भी अच्छी खासी है। उसके अलावा देखोगे सुनील नारायण 2 बार आउट, 63 बॉल में ओनली 45 रन, स्ट्रगल है सुनील नारायण के सामने फाफ डू प्लेसी का। ड्वाइन ब्रो एज ए बॉलर देखोगे, सुनील नारायण ने 3 बार आउट किया। जॉन सिम्पसन का देखोगे, सैम करन ने 3 बार, स्ट्रगल है सिम्पसन का, सुनील नारायण ने 1 बार, डेविड विजय का देखोगे 1 बार सुनील ने, 1 बार टॉम करन ने। जैसन रॉय का देखोगे, डेविड विजय ने 3 टाइम्स आउट किया, देखे पिटाई है 28 बॉल में 57, बट 3 बार तब आउट। डीजे ब्राओ 1 बार आउट, रायली रोशो का देखोगे 1 बार आउट किया है डेविड विजय ने, इन्होंने भी पिटाई की है। सुनील नारायण का देखोगे 2 बार विजय ने, 1 बार राशिद ने और डीजे ब्राओ ने 3 मर्तबा आउट किया। सो गाइस ये थे प्लेयर वाइज स्टेट्स। अब चलिए आपकी टीम कैसी होनी चाहिए इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स को आप लोग लेके जा सकते हो, बिकॉज जब आप विकेट कीपिंग सेक्शन वगैरह में जाओगे तो वहां पे आपको कुछ अलग चीजें देखने को मिलेगी। देखिए सबसे पहले यहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन से शुरुआत करते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन से शुरुआत करें, देखते जाइएगा आप लोग। सबसे पहले बिलिंग्स अनवेलेबल है, कॉक्स है, पेपर है, सिम्पसन है। अब यहां से सिम्पसन डिफरेंशियल में लेना चाहो ले सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। यहां से सेफ आपके लिए ये है डिफरेंशियल, ये 5 नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है, तो मैंने क्या किया, मैंने पेपर को ले लिया। कॉक्स हालांकि बढ़िया प्लेयर है,
बैटिंग सेक्शन में रॉय को लिया, फाफ को मैंने यहां से ले लिया, रायली रोशो को ले लिया, हैरी ब्रूक खेलते हैं तो ले सकते हो, कार्टराइट का मैं बोलूंगा भाई, कार्टराइट को आप रायली रोशो की जगह ले सकते हो और शायद मैं ये चेंजेस कर लूं। जी हां, कार्टराइट मैं ले सकता हूं। उसके अलावा होज एक डिफरेंशियल पिक रहेंगे, मैं नहीं लूंगा, मैं ड्रॉप करूंगा। एडम लिथ को मैंने लिया, विल जैक्स के इंजरी के अवेलेबिलिटी के कम चांसेस है, इंजरी को लेकर इनकी अपडेट आ रही है तो शायद नहीं खेलेंगे। एडम लिथ इनको मैं शायद लास्ट टाइम पे ड्रॉप करने की सोच सको, बट अभी सिलेक्शन ज्यादा है तो मैंने एडम लिथ को लिया है। ऑलराउंडर सुनील को लिया, सैम को लिया, डेविड विजय को लिया। अब डेविड विजय का देखो ऐसा है ना कि अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो शायद मैं इनको ड्रॉप करके जाऊंगा, पहले बैटिंग करेगी तो शायद मैं डेविड विजय को लूंगा, इस चीज का आप लोग ध्यान में रखना। बॉलिंग सेक्शन में आदिल रशीद, उसके बाद टॉम करन को ले लिया, उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने डीजे ब्राव को ले लिया। यहां से मैं एक चीज बोलूंगा, आप क्या कर सकते हो, डेविड विजे या एडम लिथ, इनमें से किसी को भी ड्रॉप करके आप यहां पे एंट्री दे सकते हो। किसको? मैथ्यू पॉट्स को। जी हां, मैथ्यू पॉट्स को, और ये आपके लिए जीएल पिक रहेंगे। स्मॉल लीग में मैथ्यू पॉट्स को चांस दे सकते हो, बाकी डैनी ब्रिग्स एक जीएल पिक रहेंगे, बिकॉज ये विकेट जब निकालते हैं तो बल्क में जाती है, तो इस चीज का आप ध्यान में रखना। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टनसी को लेके बात करें तो यहां से देखिएगा, कैप्टनसी मैंने क्या किया, कैप्टनसी मैंने फाफ डुप्लेसी को दे दी और वाइस कैप्टनसी मैंने जेसन रॉय को दे दी। बट एक चीज बोलूंगा भाई, अगर डीजे ब्राव सेम लास्ट मैच की तरह उस पोजीशन पे आते हैं तो आप ये चेंजेस कर सकते हो, इसको यहां पे लेके आ सकते हो, इसको लेके आ सकते हो। सैम करन अगर पहले बैटिंग करती है सैम करन की टीम लाइक ओवल, तो आप वीसी वाइस कैप्टनसी इनको दे सकते हो। समझ गए, ये इतने ऑप्शंस हैं, बाकी ये इनिशियल टीम है। फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम से आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।